हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 16 अक्टूबर के डेट में जो इंटरव्यू हुआ है उसके बारे में, जो कि सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षक का है। और आइए चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया है इंटरव्यू में। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्रमागत ह्रास पद्धति से क्या समझते हैं? तो क्रमागत ह्रास पद्धति से क्या आप समझते हैं? तो इसका आंसर जो होगा, लाभ हानि खाते में प्रवाहित ह्रास की राशि प्रतिवर्ष बदलती रहती है, क्रमागत ह्रास पद्धति कहलाती है। इसके बाद पूछा गया, कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं? ये देखिए, दो तीन बार पूछ दिया गया है, कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं? तो कैपिटल मार्केट है, दीर्घकालीन ऋण को कैपिटल मार्केट कहते हैं। दीर्घकालीन जो ऋण होता है उसे कैपिटल मार्केट कहते हैं। इसके बाद पूछा गया है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है दिया हुआ, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं जिससे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, लेकिन उसके कुछ आपको चार्जेस पेड करने होंगे जो कि बहुत ही नॉर्मल है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूआरएल क्या है? ये देखिए कंप्यूटर से पूछा गया है क्वेश्चन। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और इसके बाद देखिए पूछा गया है, लैन में डेटा के हस्तांतरण की दर क्या होती है? तो प्रति सेकेंड केबीपीएस किलोबाइट होता है, और जो कि लैन के ट्रांसफ़र रेट होता है। और इसके बाद देखिए जो पूछा गया है, कौन सी सेवा भेजने या इंटरनेट पर मेल प्राप्त करने के लिए है? तो ईमेल आप लोग जानते ही हैं, ईमेल के माध्यम से मैसेज भेजने या ईमेल भेजने के या प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करने में, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कौन से शब्द एक ईमेल खाते हैं कि ईमेल की एक भंडारण क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब वो ऐसा कौन सा शब्द है जो कि ईमेल अकाउंट के लिए, ईमेल आईडी जो है उसके भंडारण स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि मेल बॉक्स होता है आप लोगों के ईमेल में, मेल बॉक्स होता है और या फिर इनबॉक्स होता है, तो इसे भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब मैसेज के स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो पूछा गया है वो है, मास्टर बजट किसे कहते हैं? मास्टर बजट के बारे में बताना है आपको। तो बजट की वह अवधारणा जिसमें स्तरों को आधार से कम करना पड़ता है, जिसमें स्तरों को आधार से कम करना पड़ता है उसे मास्टर बजट कहते हैं। और इसके बाद देखिए जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है? इसके बारे में बताना है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है इसके बारे में बताना है आपको। 3 अक्टूबर 2017 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव हुआ था, और मतलब निर्णय लिया गया था। और इस योजना में सरकार प्रति जोड़े पर 35,000 रुपये की धनराशि व्यय करेगी। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि जो सामूहिक विवाह योजना है उस पर प्रति जोड़े पर 35,000 रुपये सरकार खर्च करेगी, और इसके बाद जो है वो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। मतलब कि 10 जोड़ों से कम लोग सामूहिक विवाह के अंतर्गत नहीं आएंगे, कम से कम 10 जोड़ा होना चाहिए। और इसके बाद देखिए जो है, इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएंगे। इसमें कोई भी वर्ग, कोई भी कास्ट के लोगों चलेंगे जिनका सामूहिक विवाह में विवाह हो सकता है, और लाभान्वित किए जाने हेतु 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके लिए 250 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके बाद देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जानते होंगे विलियम बेंटिंग है, जो कि बेंटिंग था जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है था। और इसके बाद देखिए अगला पूछा गया, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की गई की किया था। और इसके बाद पूछा गया, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये जो इंटर में साइंस साइड से किए होंगे उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो में अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल के बारे में पूछा गया कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसके बाद देखिए, इसका जो आंसर है वो है सरोजनी नायडू थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल। इसके बाद पूछा गया, जीमेल सेवा किस कंपनी की है? तो जीमेल जानवे हैं, जीमेल किसकी कंपनी है? गूगल की कंपनी है, गूगल मेल भी कहते हैं, गूगल मेल का शॉर्ट नेम है जीमेल। और इसके बाद देखिए पूछा गया है, कार्य विवरण किसे कहते हैं? तो कार्य विवरण किसे कहते हैं? कार्य का नाम, कार्य स्थल, सारांश, कार्यों तथा उपयोग में लाई गई सामग्रियों, कार्य दशाओं आदि मदों को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण को कार्य विवरण कहा जाता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ क्वेश्चंस दोहराए भी जा रहे हैं, जिसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिन्हें मैंने अपने वीडियो में नहीं लिया है, तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे। और एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ कि जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू का वीडियो जितना भी मैंने अपलोड किया है वो सारा एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आप सबको प्रॉफिट होने वाला है, उससे भी कई क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, इसमें पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपके एक लाइक से हमारे लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस साबित होगा। थैंक यू।